Very good morning, Radiant. Class 12. Student, in the last video we have discussed about the types of company. ठीक है, कितने type की company होती है बेटा? Company, unlimited company, company limited by guarantee, company limited by share. So in the last video we have already discussed about the two types of company, unlimited company and company limited by guarantee. Today we discussed company limited by share, that is most important, and your question is totally depend on the company limited by share. तो बेटा ध्यान से देखेंगे. स्टूडेंट, यू कैन सी ऑन स्क्रीन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर. कल जो बेटा हमने पढ़ा था वो दो कंपनी के बारे में पढ़ा था. अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो दो कंपनी के बारे में पढ़ा था आपने. एक आपने पढ़ा था अनलिमिटेड कंपनी. अनलिमिटेड कंपनी शायद आपको पता भी होगा क्या होती है ये अनलिमिटेड कंपनी. और दूसरा आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटा दूसरा? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, लिमिटेड बाय गारंटी. ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया दो तरीके की कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. ये लाइबिलिटी के ही बेस पे बोला गया. यहाँ पे लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है और यहाँ पे लाइबिलिटी जो होती है वो वहीं तक होती है जहां तक उन्होंने गारंटी दे रखी है. ठीक है, नाउ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर मीन्स क्या होता है? एक्चुअली स्टूडेंट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, तो आपको समझ में आना चाहिए कि जब किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, क्या होता है? कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है. तो बेटा इसको आपने शायद सुना होगा क्लास 11th में, MOA सुना है? बिल्कुल सुना है सर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. तो इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देर इज अ क्लॉज ऑफ कैपिटल. वहां एक कैपिटल का भी एक हेड होता है और वहां उनका जो फेस कैपिटल होता है जिसको आप नॉमिनल कैपिटल कह सकते हैं. ठीक है, नॉमिनल कैपिटल आप अगर आपको नहीं याद आ रहा हो बेटा तो आप कह सकते हैं कि सर वही मैक्सिमम कैपिटल. ये भी नहीं याद आ रहा हो तो ऑथराइज्ड कैपिटल. ये भी अगर आपको नहीं याद आ रहा हो तो रजिस्टर्ड कैपिटल. ठीक है, तो कंपनी के जो टोटल कैपिटल होता है, एक्चुअली यू नो स्टूडेंट्स की इनकेस ऑफ कंपनी आपके दिमाग में चीज होना चाहिए कि कंपनी जो अपनी कैपिटल को जनरल पब्लिक से डिमांड करती है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ केसेस हैं उसमें भी कैटेगरीज किया गया है, लेकिन अभी आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो कंपनी का टोटल कैपिटल होता है, ठीक है, कौन सा कैपिटल बेटा? टोटल कैपिटल कह सकते हैं या कह सकते हैं कि मैक्सिमम कैपिटल, या कह सकते हैं कि मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंपनी इन फेवर ऑफ कैपिटल. दैट इज फिक्स्ड एंड दैट शुड बी मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये चीज़ें लिखी रहती है कि कंपनी जो है, ये जितनी बड़ी कंपनी आप बना रहे हैं, इसका मैक्सिमम कैपिटल कितना होगा. सपोज दैट आपने कहा कि इसका मैक्सिमम कैपिटल जो होगा वो 1,00,000 रुपये होगा, तो कंपनी से तुरंत पूछा जाएगा कि अगर आपने 1,00,000 रुपये अगर आप अपनी पूंजी रखना चाहते हैं, अगर अपना कैपिटल आप 1,00,000 रुपये रखना चाहते हैं, तो हमें ये बताइए कि कैसे कैसे कितने रुपए वाला. आप कहेंगे सर एक टुकड़े की कीमत या एक शेयर की कीमत का इतना रखना चाहता हूं मैं, 100 रुपये. तो आप इसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो उस कंपनी में 1,000 शेयर होंगे. कितने टुकड़े होंगे उस कंपनी के? 1,000 शेयर. ये कंपनी के नहीं, मीन्स कैपिटल की बात अगर मैं कर रहा हूं तो उस कंपनी में 1,000 शेयर होंगे और हर एक की कीमत होगी 100 रुपये. बात मेरी समझ आई आपको? हर एक की कीमत कितनी होगी बेटा? 100 रुपये. तो इस तरीके से कंपनी अपने शेयर को बेच सकती है. तो सर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का मतलब है कि इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर अ कंपनी कैन ओनली पुट द वैल्यू ऑफ नॉमिनल कैपिटल व्हिच आर रजिस्टर्ड इन द या व्हिच आर मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. ठीक है, तो ये जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का मतलब यही है कि दैट कंपनी इज लिमिटेड टिल द अमाउंट ऑफ शेयर, टिल द अमाउंट ऑफ कैपिटल. ठीक है, विच आर मेंशन इन द MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार आस्क टू यू वट अमाउंट, वट मैक्सिमम कैपेसिटी, वट मैक्सिमम कैपिटल यू विल पुट इन योर कंपनी. किस तरीके का बिजनेस है आपका और उस तरीके के बिजनेस को लेकर के आप कितना मैक्सिमम कैपिटल रखना चाहते हैं. ठीक है, तो शायद अब आपको समझ में आया होगा कि सर जो उनका कैपिटल होगा उससे ज़्यादा वो शेयर ना तो इशू कर सकते हैं ना तो उससे ज़्यादा पैसे वो लगा सकते हैं. ये बात मेरा दिमाग में रखिए. अगर ये कंपनी को बोला गया भैया आप 10 करोड़ रुपए ही लगा करके बिजनेस करेंगे तो उनके बैलेंस शीट के कैपिटल वाले में कभी भी 10 करोड़ रुपये से ज़्यादा नहीं दिखाई देगा. ये आप समझ चाहिए अथराइज्ड कैपिटल कह सकते हैं इसको, मैक्सिमम कैपिटल कह सकते हैं इसको. सर ये बताइए अगर कंपनी को इससे ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ी, इससे ज़्यादा फंड की जरूरत पड़ी तो वो कहाँ से लाएगा? लाएगा बेटा उसके पास बैंक से लोन लेने का ऑप्शन है, उसके पास डिबेंचर कुछ नया सुन रहे हैं आप, डिबेंचर इशू करने का ऑप्शन है. ये बारोड फंड होता है, आपने 11 पढ़ा था. अब कितनी बार बताऊं आपको, ये भी आगे चल करके आप पढ़ेंगे. डिबेंचर से भी वो पैसे रेज कर सकती है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी आपके दिमाग में आ गई होंगी. तो कंपनी लिमिटेड बाई शेयर का मतलब है कि इन केस ऑफ कंपनी, व्हेन कंपनी लिमिटेड बाई शेयर द कंपनी कैन
यूज ओनली नॉमिनल वैल्यू या एक्सटेंड टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर। जो उसका नॉमिनल वैल्यू बेटा उतने तक ही वो जो है शेयर इशू कर सकती है, ठीक है, वो कभी भी उससे ज्यादा शेयर जो है इशू नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये चीज आपको शायद समझ आ गई होंगी बेटा। और इसी शेयर के ही बेस पे इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी ओपीसी, ठीक है। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का मतलब है अ कंपनी कैन नॉट यूज देयर कैपिटल विच आर मेंशन, या कंपनी कैन नॉट पुट द मैक्सिमम कैपिटल दैट इज मेंशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एमओए में जितना आपने दिखाया उससे ज्यादा कंपनी कभी भी जो है उतने तक ही वो लिमिटेड है। मेरी बात आप समझिए कि जितना शेयर आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा गया है उतने तक ही आप लिमिटेड हैं, उतना ही कैपिटल आप अपने कंपनी में लगा सकते हैं। डजंट मैटर आप कैसे लगाएंगे, लेकिन कैपिटल के फेवर में उससे ज्यादा अमाउंट नहीं आना चाहिए। तो हम बात करते हैं बेटा प्राइवेट कंपनी की। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइवेट कंपनी, तो जो प्राइवेट कंपनी आपको पता है बेटा जो कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट जो है वो आपका पहले था 1956, लेकिन अभी नए अमेंडमेंट के हिसाब से अब ये 2013 बोला जाता है, कंपनीज एक्ट 2013। तो सम स्पेसिफाइड कैटेगरी, सम स्पेसिफाइड रूल्स एंड रेगुलेशन, सम स्पेसिफाइड क्वालिटी, अब प्राइवेट कंपनी है तो उसी क्वालिटी को ही पहचान करके आप बताएंगे कि ये प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 देर आर सम स्पेसिफिकेशन दैट कैन बी प्रीफर दैट कंपनी इज प्राइवेट कंपनी और द पब्लिक कंपनी और द वन पर्सन कंपनी। सो इसकी डेफिनेशन जो दी गई बेटा वो कंपनीज एक्ट 1956 में दी गई है, 1956 का सेक्शन 2 और इस सेक्शन 2 का सब सेक्शन 68, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि ये धारा है, उस धारा के बीच में भी उपधारा होती है, वैसे ही कंपनीज एक्ट 2013 की सेक्शन 2 में 2 का सब सेक्शन जो है वो 68 में ये बताया गया है कि व्हाट कंपनी इज कॉल्ड प्राइवेट कंपनी, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी को सबसे पहला क्या है, इनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट टू ट्रांसफर इट्स शेयर, ट्रांसफर इट्स शेयर। कोई भी प्राइवेट कंपनी का जो शेयर होल्डर होगा, ठीक है, शेयर होल्डर का मतलब ये आपकी प्राइवेट कंपनी है, इस प्राइवेट कंपनी में जितने लोगों ने पैसा अपना लगा रखा है, ठीक है, तो जितने लोगों ने इसमें पैसा लगा रखा अपना एज अ कैपिटल उनको बोला जाएगा ओनर। लेकिन कंपनी में ओनर जैसा कोई होता नहीं है, उस ओनर का काम करते हैं शेयर होल्डर, ठीक है। तो जिसके पास जितना, सपोज करो इस कंपनी में अगर 100 रुपये लगा है और आपने इसमें 50 रुपये अपना लगाया हुआ है, तो इसमें 50% शेयर होल्डर किस कौन है, आप है, 50% के जो है मालिक आप है, ठीक है। शेयर होल्डर मीन्स ओनर ऑफ द कंपनी, ऐसे भी कह सकते हैं, भी आगे भी डिस्कस होगा। तो रिस्ट्रिक्ट टू ट्रांसफर इट शेयर मतलब है कि अगर आपके नाम पे 50 शेयर है, कितने शेयर है, 50 शेयर, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी यू कैन नॉट ट्रांसफर योर ओनरशिप, यू कैन नॉट ट्रांसफर योर शेयर टू अनदर पार्टी या अनदर पर्सन, ठीक है। आप अपने शेयर को किसी दूसरे के नाम पर बेच नहीं सकते हैं, आप अपने शेयर को किसी दूसरे के नाम पर ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये मेरी बात दिमाग में आप रखिएगा, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्ट टू ट्रांसफर इज शेयर, नो शेयर होल्डर कैन ट्रांसफर डियर शेयर टू द अनदर पार्टी या अनदर पर्सन। सेकेंड है, इसमें जो मेंबर्स की लिमिट होती है वो मैक्सिमम 200 होती है, आपने 11 ही पढ़ा था, मैक्सिमम मेंबर जो होते हैं वो कितने होते हैं, 200। अब इसको आप मेंबर कह लीजिए या शेयर होल्डर कह लीजिए, दोनों बात बराबर है, लेकिन ये बात दिमाग में रखिए बेटा, ये जो मेंबर या शेयर होल्डर है यही 200 लोग, यही 200 स्पेसिफाइड लोग ही मिलकर के इस पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी को चलाएंगे। दे कैन नॉट कॉल एनी मनी फ्रॉम द जनरल पब्लिक, ठीक है। तो ये इन्विटेशन नहीं दे सकते हैं, डू नॉट इन्वाइट फॉर शेयर टू जनरल पब्लिक, ठीक है। किसी भी जनरल पब्लिक को, मतलब वो मार्केट में या जनरली इस तरीके से अपने शेयर को नहीं बेच सकते। रीजन क्या है, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, इन अ प्राइवेट कंपनी फर्स्ट क्वालिटी इज दे कैन नॉट ट्रांसफर देयर शेयर टू द अनदर पार्टी, फर्स्ट। सेकेंड, व्हाट इज सेकेंड, सेकेंड में अ प्राइवेट कंपनी हैव अ मैक्सिमम मेंबर इज 200 ओनली, एंड दैट 200 मेंबर इज ओनली लाइबल टू स्टार्ट या लाइबल टू पे एनी अमाउंट टू द कंपनी। यही 200 मेंबर मिलकर के ही अपनी पूंजी लगा करके, अपना कैपिटल लगा करके इस पर्टिकुलर कंपनी को चलाएंगे। ये कोई भी पैसा किसी भी बाहरी व्यक्ति से, किसी भी बाहरी पब्लिक से नहीं मांग सकते हैं, मीन्स इससे जनरली वो शेयर जो है बेच नहीं सकते, इनके साथ प्राइवेट कंपनी बेस आपका शेयर बिकेगा, लेकिन वो पब्लिक कंपनी की बात, अभी हम प्राइवेट कंपनी की बात करें, ठीक है।
और फोर्थ पॉइंट इसका ये है कि जो भी प्राइवेट कंपनी होगा उस प्राइवेट कंपनी के लास्ट में पीवीटी और एलटीडी ये भी लिखा होना चाहिए। सपोज करिए अगर आपका नाम, आपकी कंपनी का नाम ऑक्सफोर्ड ऐसे कुछ कंपनी हम ले रहे हैं ऑक्सफोर्ड कंपनी, तो ऑक्सफोर्ड कंपनी के ऊपर ऑक्सफोर्ड कंपनी पीवीटी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, यहाँ डैश नहीं है, पीवीटी एलटीडी। तो प्राइवेट कंपनी का जो एक्सटेंशन नेम आप कह सकते हैं वो होता है पीवीटी एलटीडी। बाय द नेम ऑफ कंपनी यू कैन आइडेंटिफाई दैट कंपनी इज प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, एंड आफ्टर सीइंग दैट नेम यू हैव अंडरस्टैंडिंग अबाउट द दैट इज अ प्राइवेट कंपनी। देर आर ओनली टू, देर आर मैक्सिमम 200 मेंबर कैन बी पॉसिबल ओनली, ठीक है। वी कैन नॉट इनपुट आवर अमाउंट इन दैट कंपनी, हम ऐसा इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते उस कंपनी में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो शेयर होल्डर हैं वो लिमिटेड हैं, 200 ही है, और वही पैसे लगा करके चला सकते हैं। दे कैन नॉट कॉल एनी अमाउंट फॉर द जनरल पब्लिक, ठीक है। दे कैन टेक लोन, वो लोन ले सकते हैं, बट एज अ ओनर या एज अ शेयर किसी को बेच नहीं सकते हैं। ये प्राइवेट कंपनी की बात हो रही है। फिर हम बात करें पब्लिक कंपनी की। अब पब्लिक कंपनी में भी क्या क्या है, पब्लिक कंपनी में बेटा ये भी जो है कंपनीज एक्ट, कंपनी एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 में भी इसको स्पेसिफाइड किया गया है, और इसकी जो धारा है वो 2 का 71, ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 2 का सब सेक्शन 71 में बताया गया है कि विच कंपनी इज कॉल्ड प्राइवेट कंपनी, सॉरी पब्लिक कंपनी। तो पहला देखो पूरी तरीके से एडवांटेज है और जस्ट उसी का अपोजिट है। पहला राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर, राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर। कोई भी ओनर, कोई भी अगर आपके पास 100 रुपए का शेयर है, 100 शेयर है, अगर आप ए हैं और आपके पास 100 शेयर है, यू कैन सेल योर शेयर, ठीक है। आप अपने शेयर को सेल कर सकते हैं, अपने शेयर को किसी दूसरे के नाम पर बेच सकते हैं, अपने शेयर की अपनी ओनरशिप आप ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी अ शेयर होल्डर कैन ट्रांसफर देयर ओनरशिप टू द अनदर पार्टी, ठीक है। आपने सुना होगा कि शेयर जो बिकते हैं मार्केट में, तो सपोज करिए हमने अपना 100 शेयर परचेज किया था और अपने 100 शेयर को अगर हमारे पास पैसे की जरूरत पड़ गई तो वी कैन सेल आवर शेयर टू द अनदर पार्टी। बट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी दैट इज टोटली रिस्ट्रिक्टेड, यू कैन ट्रांसफर योर ओनरशिप, बट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी दिस इज अलाउड फॉर द शेयर होल्डर, यू कैन ट्रांसफर योर ओनरशिप टू द अनदर पार्टी। तो राइट टू ट्रांसफर होता है। सेकेंड इसमें क्या बात की गई थी, इसमें बात की थी मैक्सिमम 200 मेंबर, यहां पे मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। अगर आप बात करें कितने मेंबर हो सकते हैं तो नो लिमिट, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ मेंबर की, तो सर हमने बताया कि बेटा प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने होते हैं, 200, लेकिन अगर मिनिमम की बात की जाए तो मिनिमम 2 होते हैं, ठीक है, ये है प्राइवेट कंपनी में। लेकिन यहीं पे अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करते हैं, तो पब्लिक कंपनी में बेटा अगर हम मिनिमम की बात करें तो मिनिमम तो 7 मेंबर होने ही चाहिए, लेकिन मैक्सिमम की बात करेंगे तो नो लिमिट, जो कि बहुत बड़ा एडवांटेज है इस पर्टिकुलर पब्लिक कंपनी के लिए, ठीक है। तो ये मिनिमम लिमिट 7 है और मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे नो लिमिट है, किसी भी तरीके से आप जितना भी शेयर चाहे मार्केट में इशू कर सकते हैं। शेयर की कीमत 100 रुपये रखिए तो भी इशू कर सकते हैं, 50 रखिए तक तो भी इशू कर सकते हैं, ठीक है। अब मैक्सिमम नंबर कैन बी पॉसिबल इन अ पब्लिक कंपनी। और यहाँ पे क्या बात की गई थी, यहाँ पे बात की गई थी इन्विटेशन नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ पे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। जनरल पब्लिक कैन परचेज शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी, ठीक है, या कह सकते हैं कि पब्लिक कंपनी कैन इनवाइट टू जनरल पब्लिक फॉर इन्वेस्टमेंट या फॉर परचेजिंग ऑफ शेयर। ये बेटा जो पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी अपने शेयर को इशू करने के लिए प्रोस्पेक्टस तैयार करती है। ये प्रोस्पेक्टस जैसा वर्ड आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, इस प्रोस्पेक्टस को आप कह सकते हैं निमंत्रण पत्र। क्या कहते हैं? निमंत्रण पत्र। हम इनविटेशन करते हैं जनरल पब्लिक को जब कंपनी शुरू शुरू में बनती है, पब्लिक कंपनी होती है, चूंकि आपको पता है कि पब्लिक कंपनी का क्राइटेरिया बहुत बड़ा है, जो अमाउंट ऑफ कैपिटल वो बहुत ज़्यादा है, तो 200 मेंबर के बस की बात नहीं है। तो इन्होंने कहा कि भाई एक एक शेयर की कीमत 100-100 रुपये, कितने रुपये, 100-100 रुपये, और ये एक एक अमाउंट बोला जाएगा शेयर। तो ये जो शेयर है वो उन्होंने किसी बात किया, जनरल पब्लिक से, ठीक है। बीच में ब्रोकर वगैरह भी आते हैं जो दलाल होते हैं, जिसको आपने स्टॉक मार्केट में सुना होगा, तो वो पर्टिकुलर ब्रोकर या डायरेक्टली कंपनी से वो जनरल पब्लिक को सामान, जनरल पब्लिक को जो है वो शेयर से बेचे जाते हैं, ठीक है। तो इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी ओनली 200 मेंबर कैन इनपुट द कैपिटल इन द
कंपनी, बट इनके सब, इनके सब पब्लिक कंपनी, जनरल पब्लिक कैन आल्सो परचेज द शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी। जो भी पब्लिक कंपनी होगी उसके शेयर्स को जनरल पब्लिक परचेज कर सकती है। ये मेरी बात आप दिमाग में रखिएगा। और आपको जो क्वेश्चंस पढ़ने हैं वो इंपॉर्टेंट कह दे रहा हूँ, यही आपको पढ़ना है पब्लिक कंपनी के ही बारे में। देयर आर वेरियस मेंबर इज अवेलेबल एंड द कंपनी इशू दिए शेयर इन द इन प्लेस इन द जनरल पब्लिक। जनरल फील्ड में वो अपने शेयर्स को इशू करेगी एंड जनरल पब्लिक जो उसको परचेज करेगी, ठीक है, उसी का आपको पूरा ट्रीटमेंट पढ़ना है। तो ध्यान सुनिएगा मेरी बात, प्राइवेट कंपनी अपने शेयर को पब्लिक से नहीं मांग सकती, पब्लिक में नहीं इशू कर सकती, लेकिन जो पब्लिक कंपनी, इसका नाम ही है पब्लिक कंपनी, तो पब्लिक कंपनी कैन कॉल एज अ कैपिटल मनी टू द जनरल पब्लिक, ठीक है, तो वो जनरल पब्लिक से पैसे जो है वो मांग सकती है। ये बात आप दिमाग में रखेंगे। और यहाँ पे बात है, इसका एक्सटेंशन है, अगर पीवीटी एलटीडी होता है मींस प्राइवेट लिमिटेड, तो अगर हम इसकी बात करेंगे यहाँ पे लास्ट में एक्सटेंशन नेम है वो सिर्फ लिमिटेड लिखा रहेगा, ठीक है, जैसे यक्स कंपनी लिमिटेड। तो अगर लास्ट में सिर्फ लिमिटेड लिखा है तो बाय द नेम यू कैन आइडेंटिफाई दैट कंपनी इज प्राइवेट कंपनी आर द पब्लिक कंपनी। इफ देयर इज पीवीटी एलटीडी इज मेंशन तो दैट इज अ प्राइवेट कंपनी, इफ देयर इज ओनली एलटीडी इज मेंशन तो दैट इज अ पब्लिक कंपनी, ठीक है। कुछ खास पॉइंट छूट रहे हैं बेटा, वो है डायरेक्टर की बात, डायरेक्टर, ठीक है। यहां पे पब्लिक कंपनी में मिनिमम थ्री डायरेक्टर, तीन डायरेक्टर वर्क कर सकते हैं, लेकिन अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो यहाँ पे दो डायरेक्टर से ही काम चल जाएगा, टू डायरेक्टर, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं डायरेक्टर्स की, तो डायरेक्टर के केस में बेटा, प्राइवेट कंपनी के केस में टू डायरेक्टर हैं और पब्लिक कंपनी के केस में आपको तीन डायरेक्टर रखने होते कम से कम, ठीक है, एटलीस्ट थ्री डायरेक्टर और यहाँ पे एटलीस्ट टू डायरेक्टर। तो कम इस तरीके से डायरेक्टर का भी वर्क है, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं 1%। ये नया तरीके का टेक्निक है, नया नया आया है अभी, इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन बात यह आ गई, सर हमारे पास पैसे बहुत हैं, क्या है, बहुत पैसे रखे हुए हैं, हम इस पर्टिकुलर कंपनी को किसी से साझा करना नहीं चाहते हैं, हम बनेंगे वन मैन आर्मी, ठीक है, हमारे पास पैसे हैं। तो इस केस में कंपनी ने भी बहुत जल्दी ही 1% कंपनी का रूल अप्लाई किया है, ठीक है। 1% कंपनी का मतलब है अ कंपनी वेयर देयर इज ओनली वन ओनर इज अवेलेबल, ठीक है, ऐसा कंपनी जिसका मालिक सिर्फ एक आदमी हो, तो उस कंडीशन में उस कंपनी को बोला जाएगा 1% कंपनी, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 2 का 62, देखो एक बार फिर से देख लीजिए बेटा, यहां आपने जो सबसे पहले पढ़ा वो आपका था 268 में प्राइवेट कंपनी का है, पब्लिक कंपनी का 2671 में है, और जो 1% कंपनी उसकी जो डिफिनेशन दी गई है वो 262 में बोला गया है कि विस टाइप ऑफ कंपनी इज कॉल्ड 1% कंपनी, ठीक है। तो पहली बात, कुछ बातें यहां पे आप सीख लीजिए कि किस तरीके से होगा। यहां पे बेटा 1% कंपनी की डेफिनेशन, कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 2 का 62, सेक्शन 2 का सब सेक्शन 62 में बताया गया है कि 1% कंपनी होती क्या क्या है, ठीक है। तो पहली बात, 1% कंपनी, द कंपनी इन वेयर देयर इज ओनली वन शेयर होल्डर, या कह सकते हैं वन ओनर इज अवेलेबल, ठीक है, दे इंट्रोड्यूस देयर कैपिटल इन द बिजनेस एज अ ओनर, ठीक है, और वो अपने बिजनेस को चलाएगा। लेकिन कौन सी कंपनी को ओपीसी आप बोलेंगे वो बात दिमाग में रखिएगा। जैसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट पे ये है कि जो 1% कंपनी करेगा, 1%, देखो 1% कैन ओपन ओनली वन ओपीसी। अगर कोई आदमी एक 1% कंपनी ओपन करना चाहता है, देखो अगर पब्लिक कंपनी की बात करेंगे बेटा ना, तो एक जनरल पब्लिक जो है जिसके पास पैसे बचे हुए हैं वो किसी भी कंपनी में पैसे लगा करके उस कंपनी का ओनरशिप हासिल कर सकता है। ओनरशिप का मतलब भाई जितना शेयर लगा है उतने का आप मालिक है। लेकिन 1% कंपनी में 1% कैन ओनली ओपन ओपीसी, मतलब एक आदमी एक ही 1% कंपनी चला सकता है, 2% कंपनी वो नहीं चला सकता है, ठीक है। और उसको बाउंड भी किया गया है कि अगर आप 1% कंपनी के ओनर हैं तो आप किसी भी कंपनी में शेयर्स ना परचेज करें, ठीक है। और भी चीज़ आप सीखेंगे, तो 1% कंपनी कैन ओनली ओपन वन शेयर, ठीक है। इसके बाद ये जो है नेचुरल पर्सन होना चाहिए, क्या होना चाहिए बेटा, नेचुरल पर्सन,
नेचुरल पर्सन होना चाहिए, मीन्स मोहन सोहन रमेश सीता गीता राम श्याम ये सारे मिल्क, ये जो है ये अपने नाम पे कोई कंपनी ओपन कर सकते हैं, 1% कंपनी। अगर सोचिए कोई सैमसंग कंपनी है और किसी ब्रांड के नाम पे, किसी आर्टिफिशियल पर्सन के नाम पे अगर आप चाहें तो वो नेचुरल, तो जो है आप 1% कंपनी नहीं चला सकते हैं। 1% कंपनी का जो ओनर होगा वो नेचुरल पर्सन होगा, जैसे हम आप हैं। और दूसरी बात अगर की जाए तो उसका जो रेसिडेंशियल स्टेटस होगा, रेसिडेंशियल का मतलब होता है निवास, ठीक है, निवास स्थिति या निवास स्थान, ठीक है। ये बेटा पूरे एक साल में कम से कम 182 दिन उसे इंडिया में रहना होगा। ऐसा नहीं कि आपने कंपनी ओपन करते और फॉरेन में रह रहे हैं, तो इंडियन होना चाहिए, मतलब जिसकी सिटीजनशिप है वो इंडियन की होना चाहिए। अगर किसी का सिटीजनशिप 181 आता है तो वो इंडिया का ट्रिप नहीं गया, तो वो माना जाएगा कि वो फॉरेनर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे निवास जो है उसका, वो जो उसका जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो मिनिमम जो है 182 डेज इन आवर कंट्री होना चाहिए, तभी वो इंडियन माना जाएगा, तभी वो जो है 1% कंपनी ओपन कर सकता है। ऐसा नहीं कि आप कोई मूवी मेकर हैं और आप जो है यहाँ पे करने के बाद चल जाते, शूटिंग वहीं करते हैं, तो आप पूरे साल भर दो दो साल वहीं रहते हैं, तो आप 1% कंपनी यहाँ पे नहीं चला सकते हैं, ठीक है। इसका जो पेडअप कैपिटल होगा, पेडअप कैपिटल का मतलब वो आदमी जो इस 1% कंपनी का ओनर है वो इस कंपनी में 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं लगा सकता, ये भी बात आप दिमाग में रखेंगे। 50 लाख मैक्सिमम कितना है, 50 लाख मैक्सिमम, ठीक है। इसके बाद अगर इसके टर्नओवर की बात की जाए तो इसका जो टर्नओवर होगा वो टर्नओवर इसका 2 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब जो सेल और परचेज है वो जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 सालों के अंदर लास्ट 3 ईयर। अगर किसी साल मान लो 2 करोड़ 10 लाख रुपए हो गए तो चलो ठीक है, लेकिन पिछले 3 सालों से लगातार 2 करोड़ से ज्यादा उसका टर्नओवर नहीं होना चाहिए, नहीं तो 1% कंपनी नहीं रह जाएगी, ठीक है। ये सारी बातें हो चुकी है बेटा। इसके बाद अगर हम बात की जाए तो इसका जो पर्पज क्या है, पर्पज का मतलब है कि कंपनीज एक्ट 2013 की सेक्शन 3 का 5 में बताया गया है कि ऐसा भैया कि जो 1% कंपनी है दैट मेन ऑब्जेक्टिव ओनली फॉर द बिजनेस मोटिव, वो किस मोटिव से होना चाहिए, बिजनेस मोटिव से होना चाहिए। एनपीओ या एनजीओ आपको चलाने की अनुमति नहीं देता, मींस आप एज अ 1% कंपनी करके आप अनाथालय या कोई स्कूल या कोई ट्रस्ट नहीं खोल सकते हैं। यू हैव टू इन्वॉल्व इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी, मींस यू हैव टू इन्वॉल्व इन द बिजनेस एक्टिविटी। यू कैन ओनली, मींस कंपनी जो है वो सिर्फ बिजनेस के ही प्रोसेस के लिए यूज की जाती है, बाकी किसी भी अदर सर्विसेज के लिए नहीं। इसके बाद है कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब है कि जो कंपनी का कन्वर्जन है, ओपीसी जो है वो कभी भी, ऐसा नहीं कि अगर हमने ओपीसी ओपन किया है और हमारे टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ से ज्यादा हो गए तो हमारी ओपीसी सीधे सीधे प्राइवेट या पब्लिक बदल जाएगी, ठीक है। कोई भी 1% कंपनी कैन नॉट कन्वर्ट इन टू पब्लिक कंपनी या प्राइवेट, ठीक है। कुछ टर्म्स कंडीशन जो आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे 12th में इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन 1% कंपनी को भी प्राइवेट कंपनी में बदल दिया जाता है, उसके लिए भी जो है कुछ क्लास कुछ रूल्स आपको अप्लीकेबल करने होंगे। लेकिन अभी आप यहाँ पढ़ के ये जा रहे हैं कि 1% कंपनी इज नॉट कन्वर्टेबल, 1% कंपनी कैन नॉट कन्वर्ट इन टू पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी, ठीक है, इफ द अदर कंडीशन आर सेम। इसके बाद आपको करना क्या क्या है, कंपनी डिफाइन करनी है, स्टेट 2 एसेंशियल फीचर ऑफ द कंपनी, 2 एसेंशियल फीचर ऑफ द प्राइवेट कंपनी एंड फीचर्स ऑफ द पब्लिक कंपनी। ओके स्टूडेंट्स, सो आई थिंक दैट इज एनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।